अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ज़रा धूप में, क्योंकि अब हल्का हल्का सा मौसम चेंज हुआ हुआ है, सर्दी तो नहीं कह सकते। सॉरी, मैं हॉल पूछना भूल गई, कैसे हैं आप लोग? और मैं घर के करीब ही, मतलब करीब नहीं है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये है जी होराइज़न टावर्स, जो मैंने आपको बताए थे अजमान के सबसे बड़ी अपार्टमेंट्स हैं इधर, काफ़ी खुले, काफ़ी बड़े, काफ़ी अच्छे। और इसके नीचे कोऑपरेटिव है, उधर शायद मैं जाऊँ। एकदम ही प्लान बन गया, मेरा किसी से मिलने का भी प्लान था वहाँ पे, लेकिन खैर मैं उन्हें बता ही नहीं पाई क्योंकि मैं जल्दी में निकली। तो पहले मैं ये ग्रैंड मार्ट जाऊँगी, ये जो 1-10 दिरहम वाली है, वहाँ से देखते हैं मास्क मिलते हैं कि नहीं बेबी के। और ये धूप वाला टाइम, मतलब अभी 4:30 हो गए हैं शायद, टाइम मैंने गौर से देखा नहीं। तो चलें हम चलते हैं। मैं मोबाइल अभी बैग में रख रही हूँ क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करनी है महानूर के साथ, और मेरे साथ ही रहिए जो नए नए ज्वाइन किए हैं जिन्होंने मुझे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, थैंक यू सो मच। जैम लेना है कोई सस्ता, टर्की के सस्ते मिलते हैं। ये कौन सा है? 4.8 थी, को ऑप का जैम है, टर्की के कुछ। हाय मनु, इट्स हैवी, यू ऑलरेडी हैव इट होम। नो 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 नो, ये देखिए महनूर क्या कर रही है, गिर गया तो पैसे भरने पड़ जाएंगे। लुक एट दिस जैम, को ऑप का जैम है, ये सबसे सस्ता है, लेकिन इसकी पैकिंग कुछ हैरान कन सी लग रही है। You want this jam? Which jam you want? No, no, this is Nutella. You already have it home. अच्छा, ये 5 का भी कोई जैम है वैसे? Raspberries jam है बस। Raspberries नहीं मुझे अच्छी लगती है। Orange है। ये कौन सा है? चेरी है शायद, चेरी का अच्छा हो। हाय अल्लाह, पता नहीं अच्छा है कि नहीं। टर्की के भी अच्छे होते हैं, यहाँ पे नहीं रहे टर्की के जैम। मानू मिक्स फ्रूट ना ले लें। डू वांट जैम? अच्छा, 4 दिन हम तो मिलते हैं सफ़ीर में, लेकिन वो स्टॉक नहीं था आ रहा, समझ नहीं आ रही। अब लूँ के ना लूँ या सफ़ीर में ही देख लूँगी। खैर महानूर देखिए, महानूर ने ये चिप्स डाल ली हैं खुद ही अपनी मर्जी से, चलो खा लेगी, चीज़ बॉल्स तो खा लेती। आई डोंट वॉन्ट दिस बिग वन, नो नॉट नाउ मानू, लीव इट मानू, नो आई डोंट वॉन्ट ना, no I don't want, I ate yesterday, अभी मेरा दिल नहीं है, leave it manu, no। ये good day का है, date spread, I think मज़े का होगा ये क्योंकि healthy है, अल्लाह करे कुछ try करना चाहिए, वैसे भी नई चीज़ है, लेकिन मैं अभी ले नहीं रही फिलहाल। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये स्प्रेड है, गैलेक्सी, बाउंटी, मार्स, M&M's, इतना कुछ खा के तो इंसान खुद ही स्प्रेड होता जाएगा। इतना कुछ ले भी ले तो बंदा खाए कैसे, इतना वेट हो गया है तो बार पर दिल बहुत ही करता है, लेकिन हैर नहीं लेना, कंट्रोल करना है। ये गंदी सी लिस्ट बनाई है मैंने, सफ़ीर से ये ये लेना है, ग्रैंड मार्ट से, और ये जो जो डेली जो चीज़ें घर में मंगवाती हूँ ये वो वाली लिस्ट है, ये वाली जो सफ़ीर से ये लेना है। अब जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे इसमें से कोई चीज़ खास, मतलब महंगी ही मिली है। और ये बेबी मास्क वगैरह भी मैंने लेना है। यस, व्हाट दिस, व्हाट इज दिस man, this is charcoals. Come here. No, 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 no. Mahnoor ne jo hai na TO buy dekh liya hai.
और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। नो 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 लुक, कम कम लेट्स गो, वी आर गोइंग टू दैट सुपरमार्केट वेयर आर सो मेनी गुड टॉयज देयर, कम कम कम। और हम डेट्स देखते हैं मिलती है नहीं तो हम निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर बहुत खतरा है भाई। जब इंसान इतना प्लान बना कर जाए और कुछ ना ना मिले तो बड़ा ही दुख होता है। ना तो हमें डेट्स मिली ऑफर में थी और मास्क तो थे ही नहीं, स्टॉक ही खत्म हो गया था, क्या करें। खैर अब सफ़ीर में आए हैं, दो तीन चीज़ें वहाँ से भी लेनी है। चलो जी, ये जो महनूर है ना सफ़ीर में आते ही बस ट्रॉली के साथ भागना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे शामी कबाब जो हमेशा ऑफ़र में होते थे लेकिन अब मुझे चाहिए तो महंगे हो गए हैं। सोच रही हूँ खुद बना लेती हूँ अपने लिए, दूसरों ने तो खाना नहीं तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। कुछ और भी नहीं ना ऑफ़र में आता, जैसे कटलेट्स वगैरह हैं वो सब, क्रॉकेट्स ऑफ़र में आ जाए तुम पूरा आ जाए। खैर कम हियर, आई एम हियर दिस वे, कम जी। शुगर है ये जी 1-2 kg है ये, और सबसे सस्ती वाली है वैसे, 8-9 इस तरह 10 की मिल जाती है। तो है ये ले लेते हैं 2 kg, हम हमारे 2 kg में मेरा खाला 2 महीने निकल ही जाते हैं। और बाजरा पता नहीं मिल ही नहीं रहा, परिंदों को बाजरा देना है तो मिल ही नहीं रहा बाजरा। देखें जी बाजरा है ही नहीं, यहीं पे पड़ा होता है। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, बस परिंदों बेचारे का रिस्क था तो मिल गया है बाजरा। मानू व्हाई यू टेक दैट बिग चिप्स, नो यू डोंट ईट दिस वन, यू ऑलवेज ईट स्मॉल, टेक आउट द बिग वन। इतने बड़े से खाए जाते नहीं लेकिन बड़े वाले डाले हुए हैं, देखो जरा इसको, डोंट पुट इट। शुक्र है ये है जी टर्की का जैम स्ट्रॉबेरी वाला, ही बहुत मज़े का है और मेरी बहन को भी बहुत पसंद है तो ये मैं ले लूँगी। एक्सपायरी देख लेती हूँ, बड़ी देर से यहाँ नहीं था रहा। 10:21 ये जैम है जी, बहुत इसमें ब्लैकबेरी जैम भी है, प्रिकॉट भी है। अच्छा जी रेसबेरी में थोड़ा दाने दानेदार है, चेरी जैम भी है, एप्रिकॉट भी अच्छा होगा, ट्राई करना चाहिए। इसमें थोड़े चंक्स हैं आई थिंक सो, इंशाल्लाह ताला वो ट्राई करेंगे हम। मम्मी और ये है यम्मी से मानू के स्वीट फैंसीज, जब गैस हो जाए इसके पापा को भी चाहिए, वो भी खाते हैं। मानू पुट इट हियर, पुट ऑन माय ट्रॉली। ओके 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 ओके, कम लेट्स गो, वी विल टेक योर बिस्किट्स नाउ, लेट्स गो नाउ फॉर योर बिस्किट्स, कम फॉर योर छोटी सी शॉपिंग। अब टाइम है महानूर की छोटी सी शॉपिंग का। महानूर दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे, बिस्किट्स हियर, महानूर कम दिस वे, बिस्किट्स हियर कम। महानूर ने जो है बिस्किट्स वगैरह और चिप्स जो कोई अपनी 2-4 मंचिंग की चीज़ें होती हैं वो उसने लाजमी लेनी होती हैं। ओके कम विच बिस्किट्स यू वांट, टाइम फॉर महनूर छोटी सी शॉपिंग, कम टेक व्हाट यू वांट नाउ, ऑलवेज यू टेक दिस, कम शो मी एक्सपायरी एक्सपायरी दैट वन, ओके पुट इट, इट्स ओके नाउ, यू ऑलवेज लाइक टू ईट दिस छोटी सी शॉपिंग, यमी यमी। एंड व्हाट एल्स this anything from here, yeah. Come Manu, then we have to go home now, what do you want now, this super you want, that super biscuit small, that one super, yes ye super 0.90 ka hai,
Show me the expiry. That. Okay, okay, put it. Put in there too. I checked it. Same. Same fingers. Okay. Okay, say hello. Okay. Okay, everyone. Allah Hafiz. Hafiz. Thanks for watching. Please subscribe. And thumbs up like this. Say thumbs up like this. Bye-bye. Solima Noor. Oh, done. Little shopping done. Ye hai choti si shopping. Show in the camera. Kya kya liya maa Noor ne? Small chips. No. Small chips. Ye wale liye. ये इसके एनिमल्स वाले बड़े अच्छे लगते हैं. ये लिए हैं. ये बिस्किट लिए है मानूल ने, वेफल जो हमेशा लेती है छोटी शॉपिंग में. ये भी लेती है, ये भी दूध लेती है. और ये फेनल सीड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं. और ये बॉल तो उसने ऐसे ही लेना होता है मानू ने. महानूर ने जो है हफ्ते में एक दिन जो है छोटी सी अपनी शॉपिंग करने जाना होता है मेरे साथ, और उसी में मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ. अगर थोड़ी लंबी हो गई हो वीडियो तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत, क्योंकि छोटे छोटे ही क्लिप्स थे, पता ही नहीं चला कैसे लंबी हो गई. खैर, कोशिश करती हूँ मैं शॉर्ट ही वीडियोज़ बनाया करूँ, जो है रोज़ डाल दिया करूँ. लेकिन खैर, वो दो तीन दिन बीच में मेरे से मिस हो जाते हैं. और फिर रात के टाइम ही महानूर को भूख लगती है, तो रात के टाइम ही मैं रोटी बना रही हूँ उसके लिए. काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब घर की रोटी नहीं देते, वैसे मतलब हेल्दी फूड बड़ा वो कोशिश करते हैं, जैसे तलबीना है, वीट है, ओट्स है. लेकिन ये रोटी जो घर की होती है बच्चों को लाजमी आपको देनी चाहिए. आप लोग इतनी मेहनत करती हैं सब, लेकिन आप रोटी नहीं देते तो बड़ा एक अजीब सी बात है. मतलब घर की रोटी एक अलग चीज़ होती है. हाँ, चेंज के लिए होता है, बच्चे जब तंग आ जाते हैं तो आप बाज़ार की रोटी कभी दे देते हैं, कभी खुबस दे देते हैं, कभी नान दे देते हैं, तो कभी कुछ मतलब कुछ और भी दे सकते हैं. लेकिन घर की रोटी तो लाजमी होती है ना, वो तो मतलब रोज़ आपको देनी चाहिए घर की ही. जब सालन घर में पकता है तो रोटी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता. आप दो दिन का आटा बना के रखते हैं फ्रिज में तो इजीली आप बना सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है. आटा गूंदना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन मैंने देखा कुछ आजकल पता नहीं ट्रेंड आया हुआ है कि रोटी जो है घर में नहीं बनानी, लेकिन बाकी दुनिया जहान के सारे काम कर लेने हैं. तो खैर, आप लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये वीट जो होती है ना घर की रोटी बहुत अच्छी होती है, इसके लिए स्टमक भी अच्छा रहता है, फिट रहता है. और आप देखते होंगे मैं महानूर को पराठा नहीं देती, पराठे से उसको बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि पराठा ज़रा क्रिस्पी क्रंची सा हो जाता है, ज़रा वो हो जाता है, मतलब स्टिफी सा हो जाता है ज़रा, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. ये रोटी ज़रा सॉफ्ट रहती है, अगर बच्चा उस वक्त ना खाए, ऊपर बटर लगा के आप इसको कवर करके मतलब ऊपर प्लेट रखते हैं, तो बच्चा ज़्यादा देर ना, अगर ज़्यादा देर भी पड़ी रहे ना तो वो सॉफ्ट रहती है. और पराठा जो ज़्यादा देर पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब वो सख्त सा हो जाता है और बच्चा आराम से खा भी नहीं सकता. और ये महानूर को जो है मैं साथ सालन और योगर्ट के साथ दे देती हूँ. मैंने शुरू से इसको आदत डलाई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको जो था करेले के प्याज के साथ रोटी खिलाई थी और उसे माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था. तो शुरू में ही ट्राई कर लेना चाहिए, बच्चों को पहले ही मुँह को ज़रा लग जाए घर का खाना और सालन जो भी घर में पना हो. फिर भी माएँ मुझे पता है बहुत कोशिश करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है. बाज़ लोग खिलाते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं खाते, वो फ़ास्ट फूड के आदी होते हैं और ये वो. खैर, महानूर को अभी ये फ़िलहाल तो शौक़ नहीं है, आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती. बच्चे तो ज़ाहिर है फिर कंट्रोल में नहीं आते, तो ऐसा तो चलता ही रहता है. नहीं, अच्छा जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग. मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और खुश रहने दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.